नमस्कार, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है, उस महामंत्र का जप कैसे करेंगे, उससे क्या लाभ मिलेगा। आज की पंचांग की क्या स्थिति है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रमा किस राशि पर रहेगा, 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, ये सारी बातें बताएंगे। और आज गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा, दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, और आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में भी बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज का महामंत्र है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। आज का महामंत्र है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। यह महामंत्र हनुमान जी के लिए है। अगर आप इस मंत्र को, इस चौपाई को अगर आप पढ़ते हैं तो आप पर हनुमान जी की कृपा बरसेगी, और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कार्य आसान होंगे। कोई भी कार्य हनुमान जी के लिए कठिन नहीं है। जो आप चाहेंगे, जो आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, महाप्रभु हनुमान जी आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आपकी मदद करेंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है, मंगल को लेकर के आपका दुर्घटना हो रहा है, भूमि भवों से संबंधित परेशानियां चल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, कोर्ट कचहरी को लेकर के प्रॉब्लम है, शत्रु हावी हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं हनुमान जी की, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जरूर जप करें, केसरिया कलर का वस्त्र धारण करें और रुद्राक्ष के माले से इस मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज है 14 मार्च 2023, दिन है मंगलवार, तिथि है सप्तमी, जो रात 8:25 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र है, जो सुबह 8:13 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष है, वज्र योग है। सूर्योदय होगा सवेरे 6:32 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:28 पर। आज चंद्रमा रहेगा वृश्चिक राशि में, शुभ समय है दोपहर 12:06 से लेकर के 12:54 तक रहेगा। राहु काल है 3:29 से लेकर सायंकाल 4:59 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशा शूल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा मंगल की राशि पर नीच का होता है, तो व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, कई बार इमोशनल होकर के गलत स्टेप ले लेता है। तो अपने को स्ट्रांग बनना है, भावुकता में भाग के कोई कार्य नहीं करना है, और अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज करके एक सही दिशा में लगाना, तब जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य को लेकर के डेविएट ना हो। राहु काल में किसी भी कार्य की शुरुआत न करें, दिशाशूल में यात्रा करने से बचें, और शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसको उच्च पद प्राप्त होगा, किसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, कौन विदेश जाने वाला है, किसके विरोधी सक्रिय होंगे, किसको यात्रा से लाभ मिलेगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन किताब लिखेगा, कौन फिल्म बनाएगा, ये सारी बातें बताएंगे। आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहेगा, कौन सा रंग के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, सारी बातें बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपका धन लाभ के लिए श्रेष्ठतम दिन है। देश विदेश की यात्रा के लिए आज का दिन बढ़िया है, आयात निर्यात कर सकते हैं और काफी यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, समय आपके अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल है। तब अपने को प्लानिंग करके बड़े कार्य के लिए करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, आज आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, और आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, आपकी सभी योजनाएं सफल होंगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे। अगर आप पूंजी लगाते हैं, व्यापार करते हैं, शेयर में, ट्रेडिंग में निवेश करते हैं या नौकरी के लिए करते हैं, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइन से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है, उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है, संतानें अच्छा करेंगी जिससे आपका मन खुश रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना, कोई बात ऐसी नहीं बोलनी जो दूसरे को अप्रिय लगे। उपाय क्या करना है, लाल चंदन सूर्यदेव को अर्पित करें, ओम घृणी सूर्यान इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि वाले जातक हैं, आज आपकी इच्छित सफलता मिलेगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना बन रही है, पदोन्नति का भी प्रबल योग बन रहा है।
जो भी कार्य प्रयास करेंगे वो सारे कार्यों में अपार सफलता मिलते हुए दिख रही है। लेखन कार्य से धन मिलेगा, साहित्य से लाभ मिलेगा, एकेडमिक क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, माली हालत अच्छी होगी, परिश्रम से लाभ होगा, यात्रा तीर्थाटन देशाटन भी हो सकता है, उसकी संभावना बन रही है। विदेश जाने का योग बन रहा है, आज आप फिल्म बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, किसान आज बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके खेती किसानी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। गृहणियों के लिए आज का दिन बड़ा आनंददायक रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और किसी गरीब व्यक्ति को जो नीडी है उसको दूध या दही खिलावें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और जो प्लान कर रहे हैं प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है, बड़ी सफलता का योग बन रहा है। शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, अकाउंटेंसी में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, बीबीए अकाउंटेंसी का, सीए का, कंपनी सेक्रेटरी का, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किताबें लिख सकते हैं। नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है, पत्नी का सुख मिलेगा, चतुर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। दूर देश की अचानक यात्रा हो सकती है और कीमती सलाह से धन अर्जित करने का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन करावें, गाय को हरा चारा खिलावें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज का दिन आपकी नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आपको सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, बड़ी सफलता का योग बन रहा है। माली हालत अच्छी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। करियर में आज आपको उछाल आएगा। प्रगति का योग बन रहा है। खड्यंत्रकारी विफल रहेंगे, रोग और शत्रु परास्त होंगे, लेकिन शत्रु, अज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु की संख्या में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई वाद विवाद चल रहा तो आपको सफलता मिलेगी, माता पिता का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी समस्या को लेकर के आप उलझे हुए हैं तो आपकी समस्या का समाधान होगा। आज घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, समय का पौधा रोपण करें अपने घर पर, अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको अपार सफलता मिलेगी, व्यापार से बड़ा लाभ मिलेगा, व्यवसाय खोलने के अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप पिता से लाभ मिलेगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा, आय के नए संसाधन होंगे। न्यायालय में अगर कोई भी बात चल रहा होगा तो आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी कार्य के लिए प्लान कर रहे हैं या पाइपलाइन में कार्य, तो उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी मिलते हुए दिख रही, सरकारी नौकरी मिलेगी। आज आपको अपने कार्यों से आत्मिक और मानसिक संतुष्टि मिलेगी। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। भाई बहनों का सुख मिलेगा। पत्नी की भूमिका बड़ी अच्छी रहेगी, सहयोगात्मक रहेगी। पत्नी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, उनकी हेल्थ वेल्थ में सुधार होगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन कार्य से धन लाभ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। आज आप कुछ बड़ा करेंगे जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी एक अलग तरीके की पहचान बनेगी। भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, संतान का सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई, करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दूर देश की यात्रा हो सकती है, विदेश से धन लाभ होगा। यदि आप फिल्म बनाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, निगेटिव न सोचें। उपाय क्या करना, हरा चारा गौशाला में दान करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है हरा और लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक है, आज आपको रोजी रोजगार से लाभ मिलेगा। आयात निर्यात का योग बन रहा है। परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्य हो सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। आय के नए संसाधन होंगे। माली हालत सुदृढ़ होगी। परिवार में कुछ बड़ा कार्य होगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समूल समाधान होगा। पदोन्नति का योग बन रहा है। परिवार में कुछ शुभ एवं मांगलिक कार्य हो सकते हैं। नए कार्यों से मन खुश रहेगा। सावधानी क्या बरतें, दूसरों की बातों में ना आवे। उपाय क्या करना, चींटियों को आटा खिलावे। शुभ अंक 3, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से धन लाभ मिलेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्य हो सकता है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहन का सुख मिलेगा।
परिवार में कुछ नए तरह के कार्य हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकता है, नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। आज आपको खेल जगत से लाभ मिलेगा, नाम होगा, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नई योजनाएं सफल होगी, प्रकृति से लाभ होगा और आप कुछ नए तरह के कार्य करेंगे, आध्यात्मिक विकास होगा, आकर्ष साइंस में आपकी रुचि बढ़ेगी। सावधानी क्या बरतनी, अपने मन पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, असहाय को वस्त्र दान करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक आज अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। लेखन कार्य से धन मिलेगा, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, समुद्र के किनारे व्यापार कर सकते हैं। आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, बड़ा कार्य कर सकते हैं और अपने को इवेल्युएट करें। आज आपका समय काफी महत्वपूर्ण चल रहा है, आपका भाग्य साथ देगा। मन तनाव में हो सकता है तो मन की उद्विग्नता को रोके, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव रेखांत में न रहे और इमोशनल होकर कोई निर्णय न ले, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साहित्य से लाभ मिलेगा, किताबें लिख सकते हैं, कहानी लिख सकता है, जबकि फिल्में हिट हो सकती हैं। आध्यात्मिक विकास होगा। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा पद मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। उपाय क्या करना, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, पीली रंग के वस्तु का दान करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आप बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और शीघ्र निर्णय लेते हैं, जो नुकसान हो सकता है तो शीघ्र निर्णय लेने से बचना है। नए प्रकार के व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप इत्यादि खोल सकते हैं, नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है, वाहन खरीद सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, विरोधी सक्रिय होंगे, नए कार्यों से लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, पेट्रोलियम, ईंधन, फर्टिलाइजर में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए तरह के कार्य करने के अवसर मिलेंगे, उसमें एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जरूरत है। कोई स्ट्रेंजर मिलेगा जिससे कार्य करने का मन करेगा तो उससे थोड़ा सा अपने को दूरी बना के रखना हितकर रहेगा। सावधानी क्या बरतनी, अत्यधिक व्यय करने से बचें। उपाय क्या करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भाई बहन को रोजगार मिल सकता है और सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। वाहन खरीद सकते हैं, कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं। आज माता पिता का सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। आपके करियर में उछाल आएगा, नए तरह के कार्य करने के अवसर मिलेंगे, चुनौतियां आ सकती है, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। खेल के जगत से आपका बड़ा नाम होगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, पुरस्कार मिल सकता है। खेल की वजह से आज आपको सरकारी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़ा मेडल मिल सकता है। अपने को थोड़ा सा सचेत रखें, सावधानी बरतें, स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहें। सावधानी क्या बरतनी, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करना अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावेश में आके कोई कार्य न करें, धन लाभ का योग बन रहा है। यदि आप पुस्तक लेखन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपका समय उत्तम चल। अपने समय का सदुपयोग करें, समय आपके अति अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा, उस ऊर्जा को कैसे सदुपयोग करेंगे इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। मेहनत करने से लाभ मिलेगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ का योग बन रहा है। साहित्य सृजन से लाभ मिलेगा, फिल्म बना सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, आकर्ष साइंस के द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं। आपकी सलाह बहुत कीमती होगी जिससे धन अर्जित कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः या ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पीली वस्तु का दान करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की आराधना का दिन होता है। आज अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि हर मंगलवार को कुछ खास उपाय अगर आप कर लें तो जीवन को सवारा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप बिगड़े काम भी अपने आप बनने लगते हैं। आज हम आपको ऐसे मंगलवार से जुड़े कुछ खास उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं मंगलवार से जुड़े कुछ खास उपाय। क्या है खास उपाय आपको बताता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रहा है या शनि की कुदृष्टि की वजह से बनते हुए काम अटक रहे हैं तो आप मंगलवार को तुलसी के 108 पत्ते पर पीले चंदन से राम का नाम लिखना शुरू कर दें। इसके बाद उन पत्तों की माला बनाकर बजरंग बली को पहना दें। मान्यता के ऐसा करने से राहु और मंगल
शनि से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं और उन पर छाया संकट टल जाता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप मंगलवार को सुबह प्रातः काल उठकर और अपना नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान करने के बाद, फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें पुष्प माला दीपक लड्डू का भोग अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ भगवान हनुमान से अपने सारे कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। हर मंगलवार और शनिवार को अगर आप यह उपाय करते हैं तो जन्म कुंडली से जुड़े सारे ग्रहों का पुण्य फल आपको मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप पर हनुमान जी की कृपा बरसेगी। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी अकाल मृत्यु हो तो आप मंगलवार के दिन सुबह हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर लगाएं, इसके साथ ही साथ उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, इसके साथ ही साथ देसी घी का दीपक जलाकर वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें। लगातार 11 मंगलवार तक करने उपाय करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है और व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, चिरंजीवी होता है। परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आप हर मंगलवार को किसी भी समय ऐसे स्थान पर जाएं जहां बहुत सारे बंदर हों और उन्हें आप अपने हाथों से केले, गुड़, चने, मूंगफली इत्यादि खिलाएं। अगर आप रास्ते में कोई भिखारी देखें तो उसे भोजन करवा दें, लेकिन ध्यान रखें कि उसे पैसे न दें। माना जाता है कि इन उपायों को करने से धीरे धीरे इंसान की किस्मत चमकने लगती है और उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अब हम बात करेंगे जो दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हमारे साथ हरिद्वार से है राहुल। राहुल का सवाल है कि हमारा भाग्योदय कब होगा और 25/9/2000 इनकी जन्मतिथि है, इनका जन्म समय 5:07 सवेरे, और ये जानना चाहते हैं कि आने वाला इनका समय कैसा रहेगा। तो राहुल देखिए, आपका जो जन्म समय सिंह लग्न का है, सिंह राशि है, लग्न में मंगल है और आपके द्वितीय भाव में सूर्य है जिससे धन की स्थिति अच्छी होगी, तृतीय भाव में शुक्र बुध है तो पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा। गुरु शनि दशम भाव में व्यक्ति कर्म योगी होता है, व्यक्ति कर्म करके अपने काफी आगे बढ़ता है। एकादश का राहु धन की स्थिति अच्छी रखता है और अपने मन पर कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। अभी वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है यह शुक्र की महादशा चल रहा है जो 24 जून 23 तक है। अभी 24 जून 23 तक थोड़ा आपको परेशानी आएगी, कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आपका 24 जून 23 से लेकर के 24 अप्रैल 26 तक का कालखंड गोल्डन है, ये चलेगा शुक्र में बुध, जिसमें नए तरह के कार्य करेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी और हर तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आपका भाग्योदय होगा, करियर आपका अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 14 मार्च 2023। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़े, प्रगत करें, आपका चतुर्दिक विकास हो, आपका हेल्थ वेल्थ अच्छा हो, सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आपकी मनोकामनाएं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो, हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक 5 होता है, तो खासतौर से 5, 14, 23 तिथि के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक 5 होता है। 5 नंबर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग बड़े सहृदय होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जो भी प्रयास करते हैं बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, दुश्मनी भी अच्छे से निभाते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, कई तरह के कार्यों में उनकी रुचि होती है। यदि वैज्ञानिक होते हैं तो बड़ा कार्य करते हैं, साहित्य में अच्छा करते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं तो इसमें इनका बड़ा अच्छा होता है। यह वर्ष इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, माली हालत अच्छी होगी, नए तरह के कार्य करेंगे, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ मिलेगा, पिता के सहयोग से कुछ नया काम कर सकते हैं, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, प्रगति होगी, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का जो कालखंड है बहुत ही अच्छा है, इसमें उत्तरोत्तर विकास होगा, माली हालत अच्छी होगी, घर में नया मेहमान आएगा, उत्तरोत्तर प्रगति और विकास होगा। पुनः अगस्त से लेकर दिसंबर तक का कालखंड थोड़ा उतार चढ़ाव का आ सकता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आप काफी आगे बढ़ेंगे, आपका भाग्य अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें, गुस्से पर नियंत्रण करें और अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, आप संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक शनिवार के दिन क्या करें कि सरसों के तेल का दान करें और हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके से अगर 21 मंगलवार अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे।
भाग्य गुरु बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत को मिली बड़ी